हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सिंह, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चुंबक से संबंधित पाठ का अंतिम टॉपिक, जिसमें हम लोग शैथिल्यहान, निग्राह्यता और चुंबकशीलता, धारणशीलता, इन सब विषयों पे अध्ययन करेंगे। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ के अंदर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके परमाणुओं की चुंबकत्व की जो दिशा होती है वो आरेखित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दिशा में संरेखित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यदि बढ़ाते जाएँ तो एक समय ऐसा आता है कि लिए गए पदार्थ के सभी परमाणु जो है आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इस प्रकार जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है वह पदार्थ जो चुंबकित हो जाता है। इसमें हम लोग इसमें देखेंगे शैथिल्य और धारणशीलता। शैथिल्य धारणशीलता और इसमें कौन टॉपिक है, निग्राह्यता। शैथिल्य, धारणशीलता और निग्राह्यता, इसको टॉपिक से चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ये तीनों परिभाषा जो है एक ही टॉपिक में आ जाता है। उसको देखिए, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को लीजिए और उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव किस रूप में होता है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होता है वह चुंबकन क्षेत्र के रूप में या चुंबकन प्रेरण के रूप में, मतलब जो पदार्थ रखा गया उसमें प्रेरित होकर उसके परमाणु जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। इस घटना को हम कह सकते हैं चुंबकीय प्रेरण के कारण उस रखे गए पदार्थ के परमाणु जो होते हैं आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं। तो इस प्रकार उस पदार्थ के ऊपर लगाए गए क्षेत्र की तीव्रता, जिसको कि हम लोग कहते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं कैपिटल एस से, और उस पदार्थ के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता को हम लोग कहते हैं चुंबकन तीव्रता। ये चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है और यह चुंबकन तीव्रता, इसको हम लोग दिखाते हैं आई से। तो बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच और पदार्थ के भीतर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई, इन दोनों के बीच अगर वक्र खींचें तो वह वक्र जो है इस रूप का प्राप्त होता है। इस रूप का प्राप्त होता है मतलब कि हम लोगों को इसी वक्र के विषय में ध्यान से समझना है। इस वक्र के भाग OA को ध्यान से देखिए, OA भाग में यह दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे H का मान बढ़ रहा है अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे रखे गए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता में ही वृद्धि हो रहा है, और यह वृद्धि जो है एक समान नहीं है, फिर भी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने पर चुंबकन तीव्रता का मान बढ़ रहा है। इसलिए OA भाग जो है बाह्य चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बढ़ने पर पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है इस OA भाग के द्वारा। प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ में कोई चुंबकीय गुण नहीं है, उस पदार्थ के भीतर कोई चुंबकन तीव्रता नहीं है, इसलिए H बराबर 0 पर I बराबर भी 0 है। इसलिए जब पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखने जाएंगे उस समय चुंबकीय क्षेत्र को भी शून्य रखेंगे तो उस रखे जाने वाले पदार्थ का अपना चुंबकन तीव्रता भी शून्य होगा। अब इसके बाद जैसे जैसे हम बाह्य चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पदार्थ की चुंबकन तीव्रता के मान में वृद्धि होगी, असमान वृद्धि होगी, लेकिन H के बढ़ने पर I का मान बढ़ेगा और OA से हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, A पर। अब इसके बाद वक्र क्यों नहीं है, वक्र यहीं तक क्यों रुक गया, तो अब इसके बाद हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र चाहे जितना भी बढ़ा लें उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता में कोई वृद्धि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस अवस्था तक आते आते होता यह है कि उस पदार्थ के भीतर जितने परमाणु हैं वे सारे के सारे परमाणु जो है आरोपित
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रेरण की घटना के कारण या प्रेरित होकर सभी परमाणु जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो चुके हैं, इसलिए अब और कोई परमाणु नहीं है जो संरेखित होना है, इसलिए अब ये इसकी चुंबकन तीव्रता की उच्चतम अवस्था है, यानी कि अब हम बाह्य चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के मान में वृद्धि करें तो इसके आधार पर पदार्थ के अपने चुंबकन तीव्रता में कोई वृद्धि नहीं होता है, इसलिए यह ओ से जाके ए पे टर्मिनेट हो गया है, समाप्त हो गया है। इसके आगे हम एच का मान जितना बढ़ा लें चुंबकन तीव्रता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ओए भाग जो है एच और आई के बीच के संबंध को प्रदर्शित कर रहा है कि एच का मान बढ़ने पे आई का मान भी बढ़ रहा है। इसके बाद हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम करें तो चुंबकन तीव्रता का मान कम होता है, लेकिन यह सीधे सीधे ओए वक्र के विपरीत दिशा में नहीं आता, यह ए बी वक्र की दिशा में आता है। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पे कम करते हुए हम आ रहे हैं और बिंदु ओ पे आके एच का मान शून्य हो जा रहा है, लेकिन उस पदार्थ के भीतर इतना चुंबकन तीव्रता भी शेष है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य कर देने पर पदार्थ के भीतर जो चुंबकन तीव्रता का मान शेष बचता है, इस मान को कहते हैं हम धारणशीलता। यही मान जो है क्या है, तो यही मान जो है धारणशीलता है कि हम लोग पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे और चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखे और चुंबकीय क्षेत्र से उस पदार्थ को फिर निकाले तो उस पदार्थ के भीतर जो चुंबकीय गोल शेष बचा रहता है, यानी कि जिस चुंबकीय गोल को वो अपने अंदर धारण किए हुए है या अपने अंदर स्थापित किए हुए है, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता। तो ओ भी जो है ये धारणशीलता को प्रदर्शित करता है। अब उस पदार्थ के चुंबकीय गुण को पूर्णतः समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि पहले जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग आरोपित किए थे उसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आरोप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पहले विपरीत कर रहा था, माइनस एच की दिशा में चले, एन को एच और एच को एन को एस और एस को एन में बदल दें, तो अब उसका फिर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन तीव्रता का मान घटता है और एच के इतने ऋणात्मक मान पर उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का वह मान जिस पर पदार्थ के चुंबकन तीव्रता का मान शून्य हो जाता है उस मान को कहते हैं हम लोग उस लिए गए पदार्थ की निग्राहिता, निग्राहिता निग्राहिता इसमें है कितना ओसी, निग्राहिता ओसी है, अर्थात किसी पदार्थ के ऊपर अगर वह पदार्थ चुंबकित है तो उस चुंबकित पदार्थ के ऊपर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से आरोपित करें कि उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट के शून्य हो जाए, तो जितना आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है यानी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता जो है वही मान जो है उस पदार्थ का क्या कहलाता है, निग्राहिता। अब विपरीत दिशा में फिर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएं तो वह पदार्थ अब विपरीत दिशा में चुंबकित होना प्रारंभ होगा और वह सी डी भाग के द्वारा प्रदर्शित होगा और सी डी भाग पे जाके ये सी डी भाग के बिंदु डी पर जाके उस पदार्थ के प्रत्येक परमाणु फिर विपरीत दिशा में चुंबकित हो चुके हैं। इसके लिए अब फिर ऋण दिशा में चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के मान को चाहे जितना बढ़ाया जाए अब इसमें आई के मान में कोई वृद्धि नहीं होगा, यानी कि अब फिर ये लास्ट पॉइंट मिलेगा डी। अब इसके फिर विपरीत चलें तो हमको जैसे कि ए बी सी डी एक वक्र प्राप्त हुआ है तो फिर हम इस ऋण को फिर बढ़ाते जाएं, जीरो करें, फिर बढ़ा के इसको किसी एक मान तक पहुंचाएं तो फिर हमको रिवर्स में एक वक्र प्राप्त होता है डी ई एफ ए, जो दी पहले के वक्र ए बी सी डी के सममित होता है। जो कहानी ए से लेके डी तक आने में हुआ है वही कहानी जो फिर अब डी से लेके इस ई एफ के मार्ग से होते हुए ए तक जाने में होगा और हमको ए तक पहुंचना ही है। इस प्रकार किसी पदार्थ के चुंबकन और बीचुंबकन, चुंबकन और बीचुंबकन या विपरीत दिशा में चुंबकन की ये जो एक पूरी एक ये पूरा वक्र बन रहा है, बंद वक्र ए बी सी डी ई एफ और ए, यह बंद वक्र जो कहलाता है शैथिल्य लूप। चुंबकन और बीचुंबकन की प्रक्रिया में एच आई के बीच खींचे गए वक्र पूरा एक वक्र जो पूरा बनता है वह एक बंद वक्र होता है, उस बंद वक्र को हम कहते हैं शैथिल्य लूप। तो इसमें तीन परिभाषा हुआ, धारणशीलता, शैथिल्य लूप और निग्राहिता।
धारणशीलता बताया गया कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य कर देने के बाद उस पदार्थ के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकन तीव्रता शेष बच जाती है उसे हम लोग उस पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। फिर उस चुंबकीय पदार्थ के उस धारणशीलता वाले चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, आरोपित किए गए उस चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम लोग निग्राह्यता कहते हैं। फिर किसी पदार्थ के चुंबकन और विचुंबकन, फिर चुंबकन और विचुंबकन लगातार इस तरह से एक दिशा में फिर विपरीत दिशा में इसे चुंबकित करने की प्रक्रिया में हमको एक बंद लूप मिलता है और इस बंद लूप को हम लोग कहते हैं शैथिल्य हिस्टेरेसिस या शैथिल्य। अब इस शैथिल्य लूप से हम लोग कई चीज़ों की गणना करेंगे। शैथिल्य लूप जो है आगे चल के इस बात में सहायक होता है कि हम लोगों को अगर अस्थायी चुंबक बनाना है तो उस पदार्थ में धारणशीलता और निग्राह्यता में क्या अधिक होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, या हम लोगों को अस्थायी चुंबक बनाना है तो वहाँ पर भी हम लोगों को देखना पड़ता है कि धारणशीलता और निग्राह्यता में क्या अधिक या क्या कम होना चाहिए। इसके बाद से हम लोगों का टॉपिक है विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन, विचुंबकन। तो किसी पदार्थ के चुंबकित होने की घटना, उसको चुंबकित करने की घटना को चुंबकन कहेंगे और चुंबकित होने की विपरीत घटना को विचुंबकन कहेंगे। मतलब उस पदार्थ के भीतर से पूरा का पूरा चुंबकत्व को समाप्त कर दें उसी को हम कहते हैं विचुंबकन। किसी भी चुंबकीय पदार्थ के भीतर उपस्थित चुंबकीय गुण को समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन। तो विचुंबकन क्या और कैसे किया जा सकता है? तो चुंबकीय गुण तो और भी कई विधियों से समाप्त होता है, जैसे कि उसको पटक देने से, पीट देने से, या उसको एक क्यूरी ताप तक गर्म कर देने से। लेकिन क्यूरी ताप तक गर्म करने से हो सकता है उस पदार्थ की जो संरचना है वह संरचना जो है डिस्टर्ब हो जाए, उस संरचना जो है उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान, कुछ ना कुछ उसमें विकृति आ जाए। तो इस विकृति से बचने के लिए या हर पदार्थ को पीटा या पटका नहीं जा सकता, तो इसके लिए विचुंबकन का जो वैज्ञानिक विधि है वो ये है कि जिस पदार्थ का विचुंबकन करना है उस पदार्थ को हम लोग एक धारावाही पंचनालिका में रखते हैं और धारावाही पंचनालिका में रख के उसमें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कराते हैं, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कराते हैं। तो यह पदार्थ अगर इसमें स्थित है, इस पदार्थ को इसके भीतर डाल दिए, इसके भीतर डाल दिए तो ये ऐसे हो गया। और ये मान लीजिए कि इसकी धारणशीलता कुछ है और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे कुछ चुंबकित हो चुका है, तो इसके चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए हम लोग इसे एक धारावाही प्रणालिका के भीतर डाल देंगे और धारावाही प्रणालिका में जो है हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को संकेत में हम ऐसे बनाते हैं। डीसी करंट के लिए हम लोग ये चिन्ह यूज करते हैं और प्रत्यावर्ती के लिए हम लोग ऐसे चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता होती है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है समय के साथ मान और दिशा ये दोनों लगातार बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा और विभव दोनों का मान जो है समय के साथ मान और दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, तो ऐसे ही धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो जब हम लोग इसमें प्रत्यावर्ती धारा शुरू करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियत नहीं रखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाते जाएंगे। मतलब प्रारंभ में अधिक होगा, फिर घटा के इसको क्या करेंगे, इस धारा के मान को शून्य कर देंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो पदार्थ इसके भीतर रखा गया है वह विचुंबकित कैसे होगा उसको हम ग्राफ से समझें। और वो पदार्थ जो है इस भाग तक, अब ये जो यच है इस प्रणालिका में बांधने के धारा क्रम उत्पन्न होगा और आई जो है उसमें पहले से है, मतलब उस पदार्थ में ये पहले से है। तो धारा का मान जब एक दिशा में होगा तो इसमें चुंबकत्व उच्चतम होगा एक दिशा में, धारा का मान घटेगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, घटेगा, फिर और घटेगा, फिर ऐसे फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगा। फिर अब ये क्या होगा, अब धारा का मान घटा दिए तो यच का मान भी घटेगा, यच का मान घटेगा तो आई का मान घटेगा, और इस तरह से हर एक चक्र में इसके आई का मान जो है लगातार घटता जाता है
और घटते घटते सब एक समय ऐसा लाते हैं इसमें कि जो ही धारा का मान शून्य करते हैं तो उस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता तो तीव्रता जो है वह आके यहाँ पे शून्य हो जाता है और इस प्रक्रिया से उसमें कोई विरूपण उस पदार्थ में कोई विरूपण उत्पन्न नहीं होता और वह पदार्थ जो है वैज्ञानिक तरीके से पूर्णतः जो है विचुंबकित हो जाता है अर्थात उसका चुंबकीय गुण जो है समाप्त हो जाता है। तो यह विचुंबकन की प्रक्रिया इस प्रक्रिया की सहायता से हम लोग पदार्थों को जो है विचुंबकित करते हैं। अब इसके बाद है शैथिल्य हानि हिस्टेरेसिस लॉस। शैथिल्य हानि क्या होता है? शैथिल्य हानि आगे भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। शैथिल्य हानि हिस्टेरेसिस लॉस शैथिल्य हानि तो होता क्या है कि किसी भी पदार्थ को जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में स्थापित करते हैं तो इसके जो परमाणु हैं वह परमाणु जो विभिन्न दिशाओं में अपने आप को संरेखित किए हुए हैं वे जो है आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना प्रारंभ हो जाते हैं। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना प्रारंभ हो जाते हैं का मतलब यह है कि अब ये सारे परमाणु जो है अब एक दिशा में संरेखित होना प्रारंभ हो जाते हैं एक निश्चित दिशा में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार इनके परमाणुओं में इनके परमाणु जो है अपने स्थान पे घूमते हैं तो इस परमाणु के घूमने या अन्य किसी कारण से चाहे जिस भी विधि से ये संरेखित होते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया में इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल उत्पन्न होता है और चुंबकीय बल के कारण जो है इसमें कुछ गति या घुमाव या जो भी कहें कुछ न कुछ कार्य होता है। अब जो कार्य होता है वह कार्य जो है इस परमाणु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और यह ऊर्जा जो परमाणु में संचित होती है यही ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है या प्राप्त होती है। तो किसी भी पदार्थ को किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख के उसको चुंबकित करने में वह परमाणु क्या होता है वह पदार्थ क्या होता है वह पदार्थ गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? तो गर्म इसलिए होता है कि उस पदार्थ के परमाणुओं पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल आरोपित होता है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल आरोपित होने के कारण उन परमाणुओं पर कार्य होता है। वह कार्य उन परमाणुओं में ऊर्जा के रूप में संचित होता है और वह ऊर्जा जो इस पूरे पदार्थ पर ऊष्मा के रूप में परिलक्षित होता है अर्थात वह पदार्थ क्या होता है? गर्म हो जाता है। अब उस पदार्थ के गर्म होने का मतलब यह है कि वह उसके परमाणु जो एक निश्चित दिशा में संरेखित हो रहे हैं या हो गए हैं। अब ये संरेखित परमाणुओं के हो जाने के बाद फिर इसमें ऊष्मा का वो क्या कहते हैं ऊष्मा का और उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर बार बार हम किसी पदार्थ को चुंबकित और विचुंबकित करते हैं तो अभी हम जो शैथिल्य लूप बनाए थे इस शैथिल्य लूप के बराबर की ऊष्मा जो है ऊर्जा जो है उसको देनी पड़ती है और इस शैथिल्य लूप के बराबर जो ऊर्जा हम लोग देते हैं किसी भी पदार्थ को चुंबकित और विचुंबकित करने की प्रक्रिया में तो इतनी ऊर्जा जो है एक चक्र में उस परमाणु के भीतर जाता है और वह सारी की सारी ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रकार एक शैथिल्य लूप में जो कुल ऊर्जा की हानि होती है उसी को हम कहते हैं शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि मतलब यह चाहे वक्र का जो किसी पदार्थ के लिए खींचा गया है ये चाहे वक्र में जो एक चक्र में पूरा ए से चल के फिर यहाँ डी तक पहुँचना फिर ऐसे चल के ए तक इस पूरे एक चक्र में जितनी ऊर्जा इस पदार्थ के भीतर दी जाती है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में वह चुंबकीय ऊर्जा उस पदार्थ में ऊष्मा के रूप में परिलक्षित होती है और उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं वह ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में परिलक्षित होती है और वायुमंडल में या वातावरण में फैल जाती है तो उसी वह दी गई ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में उसका हानि हो गया इसलिए उस हानि को हम लोग कहते हैं शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि के बाद जो है हम लोगों को कोई पदार्थ अगर लेना है तो उसके लिए चुंबक के लिए हम लोगों को कैसा पदार्थ लेना चाहिए
किसी पदार्थ को चुंबक बनाना है तो उस वह लिया गया पदार्थ किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थात वह जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं आयरन कोबाल्ट और निकेल या इसके इनके द्वारा जो मिश्र धातुएं बनाई गई हैं, इन मिश्र धातुओं में से कौन सा पदार्थ कहाँ लगाया जाना चाहिए। तो हम लोग अपने ऑपरेटर्सों को ध्यान से देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को दो प्रकार का चुंबक चाहिए। एक तो ऐसा चुंबक चाहिए जो अस्थाई हो, अस्थाई चुंबक जैसे कि चुंबक को लगाया जाता है किसी भी स्पीकर में डायफ्राम के रूप में या अन्य जगहों पे भी मोटर वगैरह में भी वो छोटे मोटरों में भी जो चुंबक लगाए जाते हैं वो अस्थाई चुंबक होते हैं। बड़े मोटर के जो चुंबक बनाए जाते हैं वो अस्थाई होते हैं, तो विद्युत धारा से चुंबकीय को उत्पन्न करके उसको चुंबक बनाया जाता है। और कुछ जगहों पे होते हैं जहाँ पे हम लोगों को चुंबक इस तरह का चाहिए जो अस्थाई ना हो। अस्थाई ना हो मतलब अस्थाई चुंबक, तो अस्थाई चुंबक अगर बनाना है तो अस्थाई चुंबक के लिए हम लोगों को एक तो हो गया अस्थाई चुंबक, मतलब उसमें हमेशा चुंबकीय बोर्ड विद्यमान रहना चाहिए, और एक हो गया अस्थाई चुंबक। तो चुंबक बनाने के लिए हम लोगों को पदार्थों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। तो अस्थाई चुंबक हम लोगों को ऐसे पदार्थ का बनाया जाना चाहिए जिसकी धारणशीलता अधिक हो। ऐसे पदार्थ का अस्थाई चुंबक बनाना चाहिए, अस्थाई चुंबक ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है जिसकी धारणशीलता अधिक हो और निग्राह्यता भी अधिक हो। और अस्थाई चुंबक ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है जिसकी धारणशीलता क्या हो, कम हो। धारणशीलता कम हो, निग्राह्यता भी क्या हो, कम हो। इस प्रकार हम लोगों के पास दो प्रकार का आयरन है, एक है स्टील और एक है नर्म लोहा। तो नर्म लोहे के लिए हम लोग काम करें, ये अगर हम लोग इस पर देखें वक्त पे तो इसमें एक वक्र बनाया गया जिसमें ये धारणशीलता अधिक है, धारणशीलता और ये निग्राह्यता पता है, ये जो निग्राह्यता है और दूसरे का बना हुआ जिसमें धारणशीलता कम हो और निग्राह्यता जो है अधिक हो। इसकी धारणशीलता यहीं तक है और निग्राह्यता जो है यहाँ तक है। तो ये दो प्रकार के वक्र हैं, इसमें जो जिसकी धारणशीलता अधिक और निग्राह्यता कम है यह है नर्म लोहा। ये जो वक्र बना है आई एच के बीच में, यह वक्र मिलता है नर्म लोहा के लिए। नर्म लोहा साफ कह रहा, और ये जो होता है स्टील के लिए होता है। तो अब यहाँ से थोड़ा बात करें, हो सकता है इसके पहले इसमें कहने में कुछ दिक्कत आ गई हो, लेकिन यहाँ से वो बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। हम लोगों को अस्थाई चुंबक है किसका बनाना चाहिए, तो जिसकी धारणशीलता अधिक हो लेकिन निग्राह्यता कम हो। निग्राह्यता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निग्राह्यता वह मान होता है जिस पर वह पदार्थ जो है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, विचुंबकित हो जाता है। तो हम लोगों को ऐसा पदार्थ चाहिए जिसकी निग्राह्यता कम हो, मतलब वो चुंबकित भी जल्दी से हो और अधिक हो लेकिन विचुंबकित भी वो जल्दी हो जाए। तो ऐसे पदार्थ को हम लोगों को बनाना चाहिए अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक के लिए हम लेते हैं क्या, नर्म लोहा या नर्म लोहा से संबंधित कोई भी मिश्र धातु जो जिसके गुण जो है इस वक्र के अनुसार हो, मतलब धारणशीलता अधिक हो और निग्राह्यता कम हो, तो उसका बनाना चाहिए हम लोगों को अस्थाई चुंबक। क्योंकि इसे विचुंबकित करने के लिए बहुत अधिक बाह्य चुंबक की चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता नहीं होगी और ये बहुत जल्दी जो है शीघ्रता से जो है विचुंबकित हो जाएगा। इसके विपरीत अब स्टील है, तो स्टील की धारणशीलता कम है लेकिन निग्राह्यता क्या हो गई है, निग्राह्यता अधिक हो गई है। निग्राह्यता अधिक होने का मतलब स्टील को शीघ्रता से या बहुत जल्दी जो है विचुंबकित नहीं किया जा सकता। स्टील की निग्राह्यता जो है बी डैश ओ बी डैश है, इसकी निग्राह्यता जो है ओ बी है। तो निश्चित है चित्र में दिख रहा है कि ओ बी डैश का मान जो है ओ बी से अधिक है, यानी कि स्टील की निग्राह्यता
नर्व लोहे की निग्राहिता से अधिक है, इसलिए स्टील को विचुंबकित करने के लिए विपरीत दिशा में अधिक शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना पड़ेगा, यानी कि स्टील को जल्दी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टील या स्टील इसके समान गुणधर्म वाले, इस वक्र के समान गुणधर्म वाले जिस भी मिश्र धातु का अगर गुण है तो उस धातु को हम लोगों को बनाना चाहिए अस्थायी चुंबक, और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है स्टील या स्टील के समान आई एच वक्र रखने वाला कोई भी परमाणु या पदार्थ हो उसका हम लोग बनाते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का अपना काम है, अस्थायी चुंबक भी चाहिए। अस्थायी चुंबक का अपना काम है, अस्थायी चुंबक लगाए जाते हैं ट्रांसफार्मर में, अस्थायी चुंबक लगाए जाते हैं पंचनालिकाओं के भीतर। अस्थायी चुंबक लगाने से पंचनालिकाओं के भीतर या ट्रांसफार्मर वगैरह में जो भी फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके मान में वृद्धि होती है, तो इसके वृद्धि करने क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने के लिए हम लोग पंचनालिका के भीतर जो नर्म लोहा लगा देते हैं, और नर्म लोहा से जो है उसके चुंबकीय गुण में वृद्धि होता है। तो अस्थायी चुंबक बनाते हैं हम लोग स्टील से, और अस्थायी चुंबक बनाते हैं हम नर्म लोहा से, क्योंकि अस्थायी चुंबक के लिए निग्राहिता अधिक चाहिए, धारणशीलता भले थोड़ा सा कम हो लेकिन निग्राहिता अधिक हो, और अस्थायी चुंबक में धारणशीलता अधिक हो और निग्राहिता कम हो, तो ये दोनों गुण जो है क्रमशः नर्म लोहा स्टील में पाया जाता है। इसलिए नर्म लोहे को अस्थायी चुंबक और स्टील को हम लोग अस्थायी चुंबक बनाते हैं। इसके बाद से चुंबकों का उपयोग, तो चुंबकों के उपयोग में आपको बताया गया ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे का उपयोग करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रक्रिया में मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, धारावाही पंचनालिका में करते हैं, फिर चुंबक का उपयोग जो है क्रेन में करते हैं, क्रेन में मतलब बंदरगाहों पे या जहाँ पे भारी कंटेनर के भीतर सामान रख के उसको पैक करके रखा गया होता है, तो उस बड़े से कंटेनर को टेकअप करने के लिए बड़ा सा क्रेन, और बड़े से क्रेन में ये बड़ा सा चुंबक, इसमें वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करता है, ये शक्तिशाली चुंबक बनता है, इस लोहे के क्रेन को अपने अंदर पकड़ लेता है, और फिर इसको जहाँ लादना है इस क्रेन की सहायता से ले जाकर वहाँ रख देते हैं, और फिर इसमें विद्युत धारा बंद कर देंगे, इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे किसी को जाने की भी ज़रूरत नहीं, और बहुत आसानी पूर्वक जो है वो लोहे का कंटेनर जिसमें सामान रख के दूसरे जगहों पर भेजा जाता है, आसानी पूर्वक जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त तो डायफ्राम बनाए जाते हैं स्पीकर के डायफ्राम जो बनते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक लगा होता है आप देखे भी होंगे, तो टेलीफोन में, माइक्रोफोन में, मोबाइल के माइक्रोफोन में, मतलब कहीं पर भी अगर साउंड को वो करना है, साउंड को कहीं भेजना है या रिसीव करना है या उसको हम लोग आइसोलेशन में ले जाना है, तो वहाँ पे चुंबक का प्रयोग होता है। चुंबक और विद्युत मिलके विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंग से ही साउंड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और शीघ्रता से आता और जाता है। तो ये है सामान्य कुछ उपयोग चुंबक के। डायनमो में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है, मोटर में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो चुंबक का मुख्य रूप से यही उपयोग है कि चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को केवल चुंबक को लगा देने से उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, नर्म लोहे को अगर केवल रख देंगे उसके भीतर हम लोग क्रोड के भीतर या जहाँ भी आवश्यक है, तो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है अपने आप क्या होती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार जो है नर्म लोहे का उपयोग जो है ट्रांसफार्मरों में, मोटर में, डायनमो में, हेडफोन में, स्पीकर में, और भी जगहों पे जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आगे चुंबकत्व वाला पार्ट समाप्त हो गया, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन। इंडक्शन के लिए, इंडक्शन मतलब विद्युत में प्रेरण की घटना क्या होती है, प्रेरण कैसे होता है, उसको हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको देखा जाएगा। इंडक्शन के बाद से जो है एसी है। ओके, अगले वीडियो के लिए।